गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज बेसिक इंटरव्यू पर थर्ड का हमारा टॉपिक है एकोएंजाइम एंड कोएंजाइम। इनके एंजाइम कितने तरीके के हैं वो सारा हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। तो उसमें पहले आइटम लिखेंगे एकोएंजाइम और कोएंजाइम, शॉर्ट नोट है सारे। सबसे पहले एकोएंजाइम और कोएंजाइम क्या होता है, देखिए किसी भी एंजाइम के अंदर टू पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? टू पार्ट होते हैं। एक पार्ट जो होता है वो प्रोटीन का बना होता है, एक पार्ट प्रोटीन का बना होता है। इस प्रोटीन वाले पार्ट को एकोएंजाइम, प्रोटीन वाले पार्ट को एकोएंजाइम कहते हैं। और दूसरा पार्ट अदर सब्सटेंस का बना होता है, अदर सब्सटेंस का बना, जैसे ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक। अदर सब्सटेंस यानी ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का बना होता है। इस अदर सब्सटेंस वाले पार्ट प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं, और इस प्रोस्थेटिक ग्रुप को ही क्या कहते हैं? कोएंजाइम। इसे क्या कहेंगे? कोएंजाइम। क्या कहते हैं? कोएंजाइम। तो एंजाइम दो पार्ट का बना होता है, इसका एक पार्ट तो प्रोटीन का बना होता है, तो प्रोटीन वाले पार्ट को एंजाइम कहते हैं। और दूसरा पार्ट जो है वो किसका बना है? दो पार्ट हमने, एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये है। और अदर सब्सटेंस बना, दूसरा पार्ट अदर सब्सटेंस बना होता है, चाहे वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस हो या इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हो। तो इस अलग सब्सटेंस वाले पार्ट को प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं, और इस ग्रुप को ही कोएंजाइम कहते हैं।